Three reasons why you need to change your workout routine today. Reason number one, if you've hit any kind of a result plateau. Now, plateau is not just in terms of hypertrophy. अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे हैं और एक जगह पर आकर आपके रिजल्ट्स रुक गए हैं, आपको सिमिलर रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके प्रोग्रेशन स्लो हो चुके हैं, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं अपने वर्कआउट से, येस दैट माइट बी अ सिचुएशन जहां पर आपको अपने वर्कआउट को ट्वीक करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है. रीजन नंबर टू, यू नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ रिजल्ट विद योर वर्कआउट रूटीन. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐसे वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन आप अगर एक हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके स्ट्रेंथ में मे बी शायद आपको बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे. सो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका जो वर्कआउट रूटीन है वो आपके गोल्स के लिए एप्ट है. रीजन नंबर थ्री, यू डोंट फील मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर वर्कआउट लाइक यू यूज टू फील अर्लियर. कई बार ऐसा होता है कि सेम रेपिटेटिव वर्कआउट करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं और हम लोग उस मोटिवेशन को खो देते हैं जो कि हमें वर्कआउट में पहले मिलता था. यानी कि ये सही वक्त है कि आप एक नया वर्कआउट तलाश करें और खुद को मोटिवेट करें.